हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 में, मैथ्स का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बच्चों यहाँ पर मीनिंग है प्रोग्रेशन और सीरीज, दो वर्ड हम लोग सीखेंगे। देखो एक प्रोग्रेशन मिलेगा, ठीक है, एक सीरीज मिलेगा, ठीक है। या प्रोग्रेशन को आप दूसरी भाषा में क्या लिख सकते हो, सिक्वेंस भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो सिक्वेंस है, ये क्या है, सीरीज। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये क्या है, देखो एक नेचुरल नंबर का सीक्वेंस है, ये क्या है, नेचुरल नंबर का सीक्वेंस है। अगर मैं बोलूं 0 1 2 3 4, ये क्या है, ये होल नंबर का सीक्वेंस है। अगर मैं पूछूं 2 4 6 8 10 12, ये क्या है, तो आप बोलते हो ये इवन नंबर का सीक्वेंस है। इसी तरह 3 यहां से ले लो, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, ये ऑड नंबर का सीक्वेंस है, ठीक है ना। सीक्वेंस समझ में आ रहा है ना, देखो ये ऑड नंबर का पूरा सीक्वेंस, इवन नंबर का, होल नंबर का, और ये आपका क्या है, नेचुरल नंबर का, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि 2 4 6 8 अप टू, मान लो मैंने 10 तक लिखा, ठीक है, तो आप बोलते हो ना कि हम लोग इसको 2 का टेबल के रूप में देखते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन, 10 क्या होगा, तो देखो आप बोलते हो 55। जैसे 1 2 10 में अगर आप ऐड करोगे सभी डिजिट को तो क्या आएगा, 55। तो अगर मैं आपसे पूछूं 2 का टेबल का सम, तो 2 का टेबल का सम बच्चों क्या हो जाएगा, सब में से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 10 तक आएगा, तो 2 इंटू 55 बराबर देखो 108। इसी तरह मैं अगर बोलूं 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस सो ऑन 30 तक, इसका सम क्या होगा, तो 3 इंटू 55। हमने देखा कि किसी भी डिजिट का अगर मान लो टेबल, उसका सम निकालना हो तो 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब मान लो अगर हमको इसका अगर सम निकालना होता है तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस मान लो 50 तक, अब क्या करोगे। अगर 1 2 10 वाला कहानी तो हम लोग निकाल लिए कि 55 होगा, 2 का टेबल लो 20 तक, तो देखो यहाँ पे 2 10 20, तो इसका सम 110। लेकिन अचानक 1 2 50 का हमसे अगर सम पूछता है तो हमें एक फार्मूला का क्या होता है, जरूरत पड़ता है, क्या होता है, फार्मूला का जरूरत पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पर एक फार्मूला पढ़ते भी है, नेचुरल नंबर का सम 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n बराबर, ये फार्मूला आप पढ़ोगे, आगे चल के इसको प्रूफिंग भी देखोगे कैसे आता है। इसको बोलते हैं बच्चों सम ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, क्या बोलते हैं, सम ऑफ नेचुरल नंबर। तो 1 टू 50 का सम अगर निकालना है तो आप n की जगह पे 50 इंटू 50 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 करके निकाल देते हैं। लेकिन देखो ये तो चलो एक फार्मूला बन गया, तो इसी तरह का एक सीक्वेंस हम लोग एपी में देखेंगे। जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पे 14 लिखा है, 21 लिखा है, 28 लिखा है एंड सोन, या मैंने मान लो लिखा 15 लिखा, 20 लिखा, 25 लिखा एंड सोन, या मैंने लिखा 18 24, फिर ये 30 एंड सोन, मान लो इस तरीके का सीक्वेंस लिखा हुआ है, ठीक है ना। या मैंने लिखा 1 लिखा, 5 लिखा, फिर 9 लिखा, 13 लिखा एंड सोन। तो बच्चों आप इस सीक्वेंस में कॉमन सा चीज फाइंड कर रहे होंगे कि दो दो डिजिट के बीच का जो डिफरेंस है वो देखो बराबर है, ठीक है ना। जैसे कि मैं बोलूं 21 में से 14 माइनस करो तो 7 आएगा, 28 में 21 माइनस करो 7 आएगा, 20 में से 15 माइनस करो 5 आएगा, 25 में से 20 माइनस करो 5 आएगा, 24 में 18 माइनस करो 6 आएगा, 30 में 24 माइनस करो 6 आएगा, आएगा ना। तो हम देख रहे हैं कि दो टर्म का जब डिफरेंस निकाल रहे हैं तो डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो बच्चों इसी तरह का सीक्वेंस को ना हम लोग एक स्पेशल क्लास दे दिए हैं जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबका अपना अपना नाम था, जैसे ये मैंने सीक्वेंस बताया नेचुरल नंबर का सीक्वेंस, ये होल नंबर का सीक्वेंस, ये इवन नंबर का सीक्वेंस, ये ऑड नंबर का सीक्वेंस, ये आपने देखा कि 2 का टेबल है, ये 1 का टेबल का सम, 2 के टेबल का सम, 3 के टेबल का सम, इस तरह एक सीक्वेंस आपने देखा नेचुरल नंबर का सम निकालना, ठीक है। इसी तरह आप सीक्वेंस देखोगे होल नंबर का, ये इवन नंबर का सम निकालना, कितना भी हम इवन नंबर आपको दे दे उसका आप सम निकाल सकते हो, उसी तरह आप ऑड नंबर का सम निकालना सीखोगे, ठीक है। तो हम यहां पर जो सीक्वेंस बना रहे हैं इसमें क्या कहानी होगा कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म बराबर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म,
ये सब ही आपस में बराबर होंगे, तो बच्चों ऐसे सीक्वेंस को ही हम लोग एपी बोलते हैं, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलो या अर्थमेटिक सीक्वेंस बोल दो, समझ में आ रहा है ना? ठीक है। और यदि ये सीरीज के विषय में हमसे बात किया जाए तो हम क्या करेंगे, ये जो समेशन के फॉर्म में हमने लिखा है, जैसे देखो यहां पे नेचुरल नंबर का ये क्या था, सीक्वेंस था, ये क्या था, नेचुरल नंबर का मैंने समेशन लिखा एन नेचुरल नंबर का, तो ये क्या हो गया, एक सीरीज बन गया। बात समझ रहे हैं ना? तो आपको जो स्टार्ट करना है, जैसे आपका फर्स्ट एक्सरसाइज जो है 5.1, इसमें बस जो भी डेटा है वही सीक्वेंस या प्रोग्रेशन को लेके बनाया गया है। इसी के बाद आप 5.2 पढ़ोगे तो इसका nth टर्म निकालोगे, दैट इज लास्ट टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। मान लो कोई सीक्वेंस दिया है, ठीक है ना, तो हम उसका लास्ट टर्म कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, कोई अगर सीक्वेंस दिया है तो आप लास्ट टर्म कैसे फाइंड करोगे, बशर्ते कि आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स पता होनी चाहिए। अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स पता होगा तो आप सीक्वेंस का एपी के जो सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसका आप लास्ट टर्म क्या कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो। इसके बाद देखेंगे कि जो एन टर्म्स होंगे सीक्वेंस में उसका हम लोग सम निकालना सीखेंगे। यही तीन एक्सरसाइज मिलेंगे आपको 5.1 में, सीक्वेंस को समझना है, ठीक है, कि कौन सा सीक्वेंस एपी में है कौन सा सीक्वेंस एपी में नहीं है। सेकेंड एक्सरसाइज में आओ तो nth टर्म दैट इज लास्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस को निकालना है, और थर्ड एक्सरसाइज में आ जाओ तो आपको n टर्म का सम निकालना है, ठीक है ना? तो आपने देखा ना कि एपी किसको बोलोगे, तो यदि किसी सीक्वेंस में मान लो कि T1, T2, T3, T4 एंड सो ऑन, ठीक है ना, अगर मान लो ये दिया हुआ है, ये मान लो एक सीक्वेंस है, एंड इफ T2 में से T1 सबट्रैक्ट करो, T3 में से T2 सबट्रैक्ट करो, T4 में से T3 सबट्रैक्ट करो एंड सो ऑन, तो बच्चों ये सीक्वेंस हम लोग कहते हैं एपी। देन दिस गिवन सीक्वेंस, ये वाला इस सीक्वेंस के विषय में बात कर रहे हैं, गिवन सीक्वेंस या प्रोग्रेशन, ठीक है ना, या प्रोग्रेशन, ये क्या कहलाएगा, आर इन एपी, यही बच्चों कहलाएगा एपी, ठीक है। तो आप एक जनरल एपी का सीक्वेंस याद रखना, पहला ए, फिर ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन। बच्चों ये एक जनरल फॉर्म है एपी के सीक्वेंस का। बच्चों ये ए जो है इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट टर्म, और ये जो आप डिफरेंस निकाल रहे हो ना, ये डिफरेंस इसको बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे अब बोलो, कॉमन डिफरेंस का है नाम बोले, तो सभी में डिफरेंस कॉमन आ रहा है, सभी का डिफरेंस क्या आ रहा है, कॉमन, चूंकि डिफरेंस निकाल रहे हो तो नाम क्या पड़ गया, कॉमन डिफरेंस, समझ रहे हैं ना? दोनों में सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो कॉमन वैल्यू आ रहा है, और कर क्या रहे हो, सब्ट्रैक्ट, दैट इज डिफरेंस, तो नाम क्या पड़ गया, कॉमन डिफरेंस। तो ये फर्स्ट टर्म होगा, डी जो कहलाएगा कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। यहां पे भी देखो, ए प्लस डी में ए घटाओगे तो क्या बचेगा, डी, ए प्लस टू डी में ए प्लस डी घटाओगे तो क्या बचेगा, डी, ए प्लस थ्री डी में ए प्लस टू डी घटाओगे तो क्या बचेगा, डी। इसका मतलब ये जनरल फॉर्म हो गया, आप इसको मान के चलना कि ये एपी का सीक्वेंस है, समझ रहे हैं ना? तो चलो आज हम लोग देखते हैं बच्चों एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है। बहुत आसान एक्सरसाइज है, और आपको बस चेक करना है इस पूरे एक्सरसाइज में कि दिया गया सीक्वेंस जो है वो क्या एपी में होगा या नहीं होगा, ठीक है। और इसके अलावा दिया जाएगा कि दिए गए सीक्वेंस यदि एपी में है तो उसका फर्स्ट टर्म डिसाइड करो और कॉमन डिफरेंस डिसाइड करो। तो चलो बच्चों मैं इसको इरेज कर रहा हूं, नोट कर लेंगे एक बार। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो अब हम लोग एक्सरसाइज 5.1 पे आते हैं डायरेक्ट, चलो कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मार्क एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। जैसे फर्स्ट है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फर्स्ट फेयर इज 15 रुपीज फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपया फॉर इच एडिशनल किलोमीटर में आपको एड करना है। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर इच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज
15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर, तो मान लेते हैं ए बराबर ए दैट इज फर्स्ट टर्म, दैट इज फर्स्ट फेयर, दैट इज फर्स्ट टैक्सी फेयर, ठीक है ना, दैट इज फर्स्ट टैक्सी फेयर बराबर कितना दिया हुआ है आर एस 15 रुपीज, फर्स्ट टैक्सी फेयर फॉर कितना, या फिर ऐसा बोलो फॉर 1 किलोमीटर ना, कितने के लिए लिए है, पहला जो फेयर लगा आप टैक्सी में बैठ जाओ, आप 100 मीटर चलो या 200 मीटर आगे बढ़ो, ठीक है ना, अप टू 1 किलोमीटर आपको कितना पे करना है 15 रुपीज। अब बोल रहा है एडिशनल एडिशनल फेयर पर किलोमीटर जो होगा, फेयर पर किलोमीटर, ये बच्चों दे रहा है आर एस 8 रुपीज। तो अगर हम सीक्वेंस बनाएंगे तो क्या ये सीक्वेंस एपी में होगा, तो देखो सीक्वेंस पहला तो 15 निकलेगा, 15 रुपीज को मैंने 15 लिखा, इसके बाद देखो 15 प्लस 8, अगर हम थर्ड किलोमीटर भी अगर चलते हैं तो 15 प्लस 2 इंटू 8, फिर 15 प्लस 3 इंटू 8 एंड सो ऑन, इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये देखो 15 हो गया, ये 23 हो गया, ये 15 और 8 2 16 मिलकर कितना हो गया 31 हो गया, ये देखो 8 3 24 प्लस 15, तो 9 3 39 हो गया एंड सो ऑन। अब हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे कि T2 माइनस T1 क्या आ रहा है, तो 23 माइनस 15 कितना आएगा बताओ, तो ये शायद 8 हो जाएगा ना, 8 ही होगा ना, देख लो घटा के 23 में से 15 जाएगा तो 8, T3 में से T2 घटा दो तो 31 में से 23 घटा दो, देखो यहाँ पे भी कितना बचेगा 8, 23 और 8 मिलकर देखो 31 हो गया। तो इस तरह से जब आप डिफरेंस निकालोगे तो ये डिफरेंस आपको क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 एंड सो ऑन, हेंस सीक्वेंस ऑफ गिवन कंडीशंस, हेंस सीक्वेंस ऑफ गिवन कंडीशन क्या चीज में है, कंडीशन इज इन एपी। तो इस तरीके से ना आपको सब क्वेश्चन को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, क्लियर है ना। तो चलो मैंने एक का एक्सप्लेनेशन दिया, सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड में बोल रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 एयर रिमेनिंग द सिलेंडर एट टाइम। जैसे मान लो कि आपसे बोल रहा है कि एक सिलेंडर में एयर भरा हुआ है, मान लो ये सिलेंडर है, ठीक है, ये जो है सिलेंडर है और इसमें एयर भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है एयर, इसकी वॉल्यूम मान लेते हैं इनिशियली भी है, कितना है भी, क्लियर है ना, इसका मतलब ए बराबर हो गया मान लो भी। अब हमसे बोल रहा है कि व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव, जैसे ही आपने इसमें वैक्यूम पंप रिमूव किया एक बार, तो 1/4 एयर क्या हो गया, 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर, 1/4 जो है रिमेनिंग इन द सिलेंडर का मतलब क्या, ये A1 पहला टर्म, तो A2 दूसरा, क्या वॉल्यूम बच जाएगा, तो भी में से 1/4 ऑफ भी को हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, होगा ना, देखो 1/4 एयर आप क्या करो बाहर कर दो, ठीक, तो दूसरा, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे बोलो ना, पहला जो वॉल्यूम हमारे पास कितना मिल रहा है भी, और कह रहा है मैंने वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग द सिलेंडर एट टाइम एयर, तो अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर विल वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर, इसका मतलब यहाँ पे वॉल्यूम कितना बचा, भी में से 1/4 को आप क्या कर दो, माइनस कर दो, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा V/4, V में से V/4 को अगर घटा दो तो 3V/4 बच सकता है, ठीक है ना, घटाएंगे कितना V/4, तो हम लोग यहाँ पे D वाला जो डिफरेंस मानेंगे वो कितना हो जाएगा V/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा V/4, समझ रहे हैं ना, 3V/4, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, A2, तो जो D हो जाएगा वो V/4 और यहाँ पे A2 हो जाएगा 3V/4। अब A3 निकालोगे तो फिर इसका 3V/4 क्या होगा, डिक्रीज करेगा, इसका मतलब 3V/4 का फिर हम क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो V3V/4, ठीक है, अच्छा यहाँ पे 3/4 भी इसका फिर से 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा भी, तो 3/4 का स्क्वायर इंटू भी एंड सो ऑन। तो ये हम लोग के पास हो गया क्या चीज, कॉमन डिफरेंस, और ये क्या हो गया हमारे पास टर्म। अब हमको ये बताइए क्या ये दोनों का डिफरेंस बराबर होगा, A2 माइनस A1 क्या बराबर होगा 3V/4 में,
कितना माइनस करो भी, तो ये हो जाएगा देखो माइनस भी बाय फोर हो जाएगा। अगर हम ए टू ए थ्री माइनस ए टू करेंगे तो थ्री थ्री जब नाइन, नाइन बाय सिक्सटीन भी और माइनस थ्री बाय फोर भी। देखो ये एलसीएम ले लोगे तो कितना हो जाएगा सिक्सटीन, तो ये नाइन भी और माइनस चार सौ का सोलह, चार तीन बारह, माइनस थ्री भी बाय सिक्सटीन। देखो डिफर हो गया ना, तो जब डिफर हो गया तो क्या ये सीक्वेंस एपी में होगा, तो ये सीक्वेंस एपी में नहीं होगा। क्या लिखोगे यहां पर, चूंकि ए टू माइनस ए वन इज नॉट इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू, हेंस गिवन सीक्वेंस नॉट इन एपी, ठीक है ना। चलो इस तरीके से सवाल बनाओगे। क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री में देखो क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट व्हाट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस 50 फॉर ईच सबसीक्वेंट मीटर। जैसे हम मान लेते हैं कि पहला जो कॉस्ट था वो आर एस 150 रुपया का था, और फिर एडिशनल कॉस्ट जो है पर मीटर का वो 50 रुपीज है, तो आर एस कितना हो गया 50 रुपया। तो सीक्वेंस जो फॉर्म होगा बच्चों, सीक्वेंस क्या बनेगा, 100 150, और ये 150 प्लस कितना 50, फिर 150 प्लस देखो 150 प्लस कितना 2 इंटू 50 एंड सो ऑन। तो सीक्वेंस मिल गया देखो 150 200 250 एंड सो ऑन। तो देखो T2 में से T1 घटाओ तो 200 माइनस 150 बराबर कितना 50, T3 में से T2 घटाओ तो 250 माइनस 200 बराबर 50। तो इस तरह से आप देख रहे हो ना, ये बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, गिवन सीक्वेंस क्या होगा एपी में होगा। समझ में आ रहा है जो कंडीशंस दिया हुआ है। इसके बाद देखो फोर नंबर भी यहीं पे क्लियर कर देते हैं, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। बच्चों यहां पर हमसे बोल रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट के हिसाब से अगर आप किसी को पैसा उधार लगाओगे तो क्या वो एपी में होगा, तो जो बिल्कुल नहीं होगा। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर बाय हंड्रेड पे पावर कितना टी, ठीक है, पी इंटू वन प्लस आर बाय हंड्रेड पे पावर कितना टी, इंटरेस्ट 8% के हिसाब से। इसका मतलब पहला टर्म जो होगा ए वन वो देखो कितना हो जाएगा 10,000 इंटू वन प्लस एट बाय हंड्रेड पे पावर कितना वन, ए टू निकालो तो 10,000 इंटू वन प्लस एट बाय हंड्रेड पे पावर कितना टू, ए थ्री निकालो तो 10,000 इंटू वन प्लस एट बाय हंड्रेड पे पावर कितना थ्री। समझ रहे ना, पहले साल के लिए अमाउंट, दूसरे साल के लिए, तीसरे, क्या ये एपी में होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना, दोनों में डिफरेंसेस हो जाएगा, तो आप सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे बता सकते हो कि ये सीक्वेंस जो एपी में नहीं होगा। समझ में आ रहा है, चलो इसको नोट करेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री हो गया, क्वेश्चन नंबर फोर देखो, ठीक है, चलो मैं इरेज कर रहा हूं, नोट कर लेंगे। बस यहां पे हम लोग को समझाना है कि सीक्वेंस एपी में होगा या नहीं होगा। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड नंबर, सेकेंड बोला राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एपी एंड फर्स्ट टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस भी दिया है। देखो बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, ए दिया है 10 और डी दिया है 10। एपी मैंने जस्ट अभी आपको बताया ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी, यही फोर फर्स्ट टर्म होगा, होगा ना फर्स्ट फोर टर्म। तो देखो ये 10, ये 10 प्लस 10, ये 10 प्लस 2 इंटू 10, और ये देखो 10 प्लस 3 इंटू 10। तो देखो क्या हो जाएगा 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है ना। सेकेंड भी देखो इसी तरीके से बनाना, ए बराबर दिया है माइनस टू, डी बराबर दिया है जीरो, तो फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एपी यहां पे लिख दो, लिख देना फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एपी बराबर इतना, ठीक है ना। इसलिए यहां पे भी लिखेंगे फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एन एपी बराबर क्या हो जाएगा ऑफ एन एपी बराबर देखो ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस
थ्री डी। तो देखो ए के जगह पे माइनस टू, ए प्लस डी, तो माइनस टू प्लस जीरो, फिर माइनस टू प्लस टू इंटू जीरो, माइनस टू प्लस थ्री इंटू जीरो। तो देखो क्या होगा, माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू, ठीक है ना। देखो सबके बीच का डिफरेंस भी बराबर आया, तो इसमें परेशान मत हो जाना, क्वेश्चन ही ऐसा है तो क्या कर सकते हैं, डी जीरो दिया हुआ था, ठीक है। सेकेंड थर्ड देखो, थर्ड में देखो ए बराबर दिया है फोर, डी दिया है माइनस थ्री, ठीक है ना। तो फर्स्ट फोर टर्म निकाल लो, फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एन एपी, ऑफ एन एपी बराबर, अब डायरेक्ट में वैल्यू लिख रहा हूं, ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी का। देखो पहला फोर, फिर फोर प्लस माइनस थ्री, फिर फोर प्लस टू इंटू माइनस थ्री, प्लस फोर प्लस टू कितना हो जाएगा, थ्री इंटू माइनस थ्री। तो यहां पर देखो हो जाएगा फोर, फोर में से थ्री गया वन, थ्री टू जा माइनस सिक्स, ये माइनस टू, थ्री थ्री जा नाइन, फोर में से नाइन गया फाइव। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर नंबर देखो कैसे बनाओगे, फोर में देखिए बोल रहा है ए इज इक्वल टू माइनस वन, बी इज इक्वल टू वन अपॉन टू। तो यहां पे भी आप निकालोगे फर्स्ट फोर टर्म्स, फोर टर्म्स ऑफ एन एपी, ऑफ एन एपी। देखो क्या होगा, पहला हो जाएगा माइनस वन, फिर माइनस वन प्लस वन बाय टू, फिर माइनस वन प्लस टू इंटू वन बाय टू, और फिर माइनस वन प्लस थ्री इंटू वन बाय टू होगा ना। तो ये देखो माइनस वन, ये हो गया वन बाय टू में माइनस वन जोड़ोगे तो माइनस वन बाय टू, ठीक है। और यहां पे देखो टू से टू गया माइनस वन में माइनस वन, माइनस वन प्लस वन एड कर दिए जीरो हो गया, फिर माइनस वन प्लस थ्री बाय टू, थ्री बाय टू। तो देखो टू वन जा माइनस टू, और ये इसको एड करोगे तो माइनस टू प्लस थ्री, तो वन बाय टू। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं चार टर्म, क्लियर है ना। देखो एक और दिया है फाइव नंबर, इसमें ए बराबर दिया है माइनस वन पॉइंट टू फाइव और डी दिया है माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव, ठीक है। इसका भी फोर टर्म्स निकालना है, तो फोर टर्म्स, फोर टर्म्स ऑफ एन एपी, ऑफ एन एपी क्या होगा, पहला देखो माइनस वन पॉइंट टू फाइव, दूसरा ए प्लस डी, तो माइनस वन पॉइंट टू फाइव और प्लस हो जाएगा माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव, ठीक है ना, कॉमा माइनस वन पॉइंट टू फाइव और प्लस टू इंटू, टू इंटू माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव, फिर कॉमा माइनस वन पॉइंट टू फाइव और प्लस थ्री इंटू माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव। इसको सॉल्व कर देना, देखो ये हो गया माइनस वन पॉइंट टू फाइव, ये देखो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस वन पॉइंट टू फाइव में माइनस टू पॉइंट फाइव एड करोगे, माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव को एड करेंगे तो माइनस वन पॉइंट फाइव जीरो हो जाएगा। यहाँ पे देखो टू इंटू जीरो पॉइंट टू फाइव को गुना करोगे तो जीरो पॉइंट फाइव जीरो, और इसमें एड करोगे तो माइनस वन पॉइंट सेवन फाइव हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें देखो थ्री ये सेवन फाइव हो गया पॉइंट सेवन फाइव माइनस पॉइंट सेवन फाइव, और यहाँ पे वन पॉइंट, इसका मतलब माइनस कितना हो जाएगा टू, माइनस टू, टू पॉइंट जीरो जीरो। तो इस तरीके से आप चार टर्म क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर थ्री इसका नोट कर लेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर थ्री कैसे बनाइएगा। थ्री में बोल रहा है फोर द फॉलोइंग एपी, राइट द फर्स्ट टर्म इन कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो बहुत सिंपल से सवाल ये, तो जैसे थ्री है वन है माइनस वन है माइनस थ्री है, बोल पहले ही बोल दिया सब एपी में है, तो एपी में है ही, तो फर्स्ट टर्म को थ्री लिख दो, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो वन माइनस थ्री बराबर माइनस टू, समझ रहे हैं ना। पहले बोल दिया है कि फॉर द फॉलोइंग एपी, इसका मतलब सभी एपी में दिया हुआ है। दूसरा देखो माइनस फाइव माइनस वन थ्री सेवन, इसमें भी देखो ए बराबर हो जाएगा माइनस फाइव और डी हो जाएगा माइनस वन में माइनस फाइव, सब ट्रैक्ट करो तो माइनस वन आइए हो जाएगा प्लस फाइव बराबर फोर। तीसरा देखो, तीसरा दे रहा है माइनस फाइव माइनस वन थ्री और सेवन एंड सो ऑन,
ये भी ए हो गया माइनस फाइव और डी हो जाएगा माइनस वन माइनस, अच्छा यही थर्ड पर नहीं लिख दिया मैंने क्या, थर्ड ये नहीं दिया वह, ये सेकेंड था पहला और ये थर्ड, देखो वन बाय थ्री है कॉमा फाइव बाय थ्री, नाइन अपॉन थ्री और थर्टीन अपॉन थ्री। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म हो जाएगा वन बाय थ्री और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा फाइव बाय थ्री में से वन बाय थ्री, सब्ट्रैक्ट कर दो तो फाइव बाय थ्री में वन बाय थ्री गया तो कितना बचेगा फोर बाय थ्री। चलो फोर नंबर में देखो कैसे बनाओगे, जीरो पॉइंट सिक्स माइनस वन पॉइंट सेवन, टू पॉइंट एट, थ्री पॉइंट नाइन एंड सो ऑन। तो देखिए ए बराबर, ए बराबर हो जाएगा 0.6 और डी बराबर होगा 1.7 माइनस 0.6, 0. कितना 9 7 16, 0.11 हो जाएगा कि 1.1 होगा, 1.1 होगा ना, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे ना 1.7 में तो 1.1। इसके बाद देखो फाइव नंबर, चलो फाइव है ही नहीं इसमें, ठीक है समझ में आ रहा है ना, इसमें बस आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर चार देखिए क्या कह रहा है, चार बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट थ्री मोर टर्म्स। ठीक, पहले बोल रहा है चेक करो एपी में है कि नहीं, अगर एपी में है तो उसके आगे तीन टर्म आपको क्या करना है लिखना है। ठीक है तो बहुत आसान ही है, देखो फर्स्ट वाला टू है, फोर है, एट है, सिक्सटीन है एंड सो ऑन। ठीक है तो देखो यहाँ पे a बराबर, अच्छा a अभी नहीं लिखेंगे, पहले हमको चेक करने बोल रहा है t2 टू माइनस टी वन, तो फोर माइनस टू बराबर टू, टी थ्री में से t2 हटा दो तो एट माइनस फोर बराबर फोर, तो लिख देना यहाँ पर t2 टू माइनस टी वन इज नॉट इक्वल टू t3 थ्री माइनस टी टू, हेंस गिवेन सिक्वेंस जो होगा, गिवेन सिक्वेंस दो कॉमा चार कॉमा आठ कॉमा सोलह एंड सो ऑन आर नॉट इन, आर नॉट इन एपी। समझ में आ रहा है ना, तो एपी में नहीं है तो आपको टर्म आगे बढ़ाना नहीं है, अगर एपी में रहता तो हम अगला तीन टर्म लिखते। अब देखो चार का ये फर्स्ट है और इसका सेकेंड में देखो पहले क्या है, चार का सेकेंड में देखो क्वेश्चन दे रहा है टू कॉमा फाइव अपॉन टू कॉमा थ्री कॉमा सेवन अपॉन टू एंड सो ऑन। चलो इसको भी चेक कर लेते हैं एपी में है कि नहीं, तो आप सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो तो देखो क्या लिखोगे, फाइव अपॉन टू में टू अपॉन वन हटाओ तो यहाँ एलसीएम हो गया टू। ठीक है और ये हो जाएगा फाइव माइनस फोर बराबर वन अपॉन टू, टी थ्री में से टी टू घटाओ तो थ्री में से फाइव अपॉन टू घटाओ तो एलसीएम देखो टू हो जाएगा, सिक्स माइनस फाइव बराबर वन बाय टू। तो ये देख रहा है ना एपी में है, इसको भी आप घटा के चेक कर लो t4 फोर माइनस टी थ्री तो सेवन बाय टू माइनस थ्री बाय वन, तो एलसीएम टू सेवन माइनस छ वन बाय टू। तो हमें आगे का तीन टर्म लिखना है, देखो वन टू थ्री फोर, इसका मतलब अगला जो टर्म होगा वो क्या हो जाएगा फाइव होगा। ठीक तो देखो हमने आपको सीक्वेंस क्या बताया है, सीक्वेंस बताया है ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी, देखो ये ए प्लस थ्री डी कौन सा टर्म हुआ, चौथा टर्म हुआ, तो पांचवा टर्म क्या हो जाएगा ए प्लस फोर डी, छठा टर्म क्या हो जाएगा ए प्लस फाइव डी, सातवा टर्म क्या हो जाएगा ए प्लस सिक्स डी। नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज में ना हम लोग ये सीखेंगे कैसे आता है, इसका फॉर्मूला डिराइव करना सीखेंगे। एक्चुअली ये फॉर्मूला होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बट इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि पहले ये आया कैसे, उसके बाद हम लोग इस फॉर्मूला का डायरेक्ट यूज करके एंटर निकाल लेंगे। ठीक है ना, एनएथ टर्म अगर निकालना हो तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। देखो बात वही है यहाँ पर, जैसे पांचवा टर्म लिखे तो पांच माइनस वन देखो फोर आ गया ना, छठा टर्म लिखे तो सिक्स माइनस वन देखो फाइव डी आया कि नहीं, सातवा टर्म तो सेवन माइनस वन सिक्स डी आ गया ना, क्लियर है ना। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में इस पर काम करेंगे। तो ए का वेल्यू देखो टू है और टू में वन बाय टू जोड़ दो तो ये हो जाएगा फाइव बाय टू। यहाँ देखो ए प्लस कितना दिया है, अच्छा वन बाय टू कैसे जोड़ेंगे, फोर डी है ना, तो टू में फोर इंटू डी का मान देखो वन बाय टू, तो टू टू जब फोर, ये फोर हो गया, क्या हो गया फोर। अब देखो ए टू प्लस फाइव डी तो फाइव इंटू वन बाय टू, तो टू प्लस फाइव बाय टू, तो टू टू जब फोर फाइव नाइन बाय टू हो जाएगा। ए प्लस सिक्स डी तो टू प्लस सिक्स इंटू वन बाय टू, तो टू थ्री जब सिक्स तो थ्री टू फाइव। इस तरीके से हम लोग अगला टर्म
फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो नोट करो, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 3 नंबर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd नंबर बोल रहा है कि -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 एंड सो ऑन। क्या ये एपी में है? तो देखो A2 में से A1 घटाओ, A2 बोले तो सेकेंड टर्म, आप T2 - T1 भी लिख सकते हो, T2 को सेकेंड टर्म मानते हैं, जो भी आप इसे प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है ना। A2 से करो या T2 से करो, T2 - T1 या A2 - A1। तो देखो -3.2 में -1.2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो -3.2 अब प्लस हो जाएगा 1.2, ठीक है। अब -3.2 में 1.2 घटाओगे तो माइनस कितना बचेगा? 2। देखो 3.2 में 1.2 घटा दो और यहाँ पे माइनस लगा दो, क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाते हैं तो साइन क्या आता है माइनस में। A3 में से A2 घटाओ, -5.2 में -3.2 घटा दिए, तो देखो -5.2 अब प्लस हो जाएगा 3.2। यहां पे भी क्या आ रहा है? -2। देखो इसमें भी आया ना सीक्वेंस सेम, इसका मतलब ये क्या ची में है? एपी में है। तो लिखना A2 - A1 ऐसे लिखना, सिंस A2 - A1 बराबर A3 - A2। देखो इसको भी घटाओगे इसमें तो देखो -2 ही आएगा, ठीक है, माइनस होगा ना, -7.2 --5.2, तो -- प्लस हो गया तो घट जाएगा, ठीक है ना। हेंस गिवन सीक्वेंस कैची में हो जाएगा, हेंस गिवन सीक्वेंस इज इन एपी, ये एपी में कहलाएगा। ओके अब आपको निकालना क्या है, इसीलिए आप निकाल लो T1, 2, 3, 4 पांचवा टर्म, तो A5, तो A+4D अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। A6 छठा टर्म A+5D, सातवां टर्म A+6D निकाल सकते हो ना। तो A देखो कितना दिया है -1.2, 4D टी का मान देखो, D कॉमन डिफरेंस इसी को ना बोलेंगे, तो ये हो जाएगा -2। तो ये देखो -1.2 और ये +-4 = 8, तो 8 में 1.2 ऐड करो तो -9.2। यहाँ पे भी देखो -1.2 + 5 × -2, ये -1.2 और -10 बराबर -11/0.2। फिर देखो यहाँ पर -1.2 + 6 × -2, तो -1.2 अब प्लस --12 बराबर 13.2। क्या लग गया मैंने, यही 4 टर्म कहलाएगा। ओके चलो इसके बाद देखो 4 नंबर में क्या बोल रहा है। अब तो समझ में आ गया होगा, टोटल इसमें 15 क्वेश्चन है, ठीक है, अपने से ट्राई कर सकते हैं। चलो फिर भी मैं बनाता हूं, आप इसको वीडियो को बड़ा बड़ा के देख लेना आगे, ठीक है। जैसे देखो -10, -6, -2, and 2, and so on, ठीक है। मैं पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करके दे रहा हूं, आप इसको अपना प्रैक्टिस करते रहना, ठीक। देखो यहां पे क्या करोगे, T2 में से T1 घटाओ, -6 - -10 बराबर -6 + 10 बराबर देखो 4 आ गया। T3 में से T2 घटाओ, -2 - -6 = -2 + 6 = 4। इसका मतलब ये भी कैची में है, एपी में। लिखना T2 - T1 = T3 - T2 and so on, ठीक है ना। हेंस गिवन सीक्वेंस इज इन एपी, क्लियर है ना। अब आप क्या करो, यहाँ पर जब एपी में है तो अगला टर्म 1, 2, 3, 4 टर्म में पांचवा टर्म निकालो, A5, A6, A7। तो A5 क्या होगा, देखो A+4D, ठीक ना, A+4D, ये A+5D और ये A+6D। तो देखो हम निकाल के दिखा रहे हैं, ये क्वेश्चन यहाँ ऊपर का था, इधर नीचे देखो, तो A5, A देखो माइनस कितना दिया है 10, तो -10 + 4 × D, D देखो कितना निकाले हो, D निकाले हो आप 4, 4 × 4 = 16 में 10 गया तो 6 बचा। फिर यहाँ पे देखो -10 ये हो जाएगा 5 × 4, 5 × 4 = 20, 20 में 10 गया तो कितना बचा 10, ठीक है।
इसके बाद देखो माइनस दस प्लस सिक्स इंटू फोर, छह चौबीस में दस गया, 14 बचा, तो ये चार टर्म, अगला तीन टर्म हो जाएगा। नहीं चलो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या बोल रहा है। फाइव में बोल रहा है बाबू थ्री कॉमा थ्री प्लस रूट टू, थ्री प्लस टू रूट टू, थ्री प्लस थ्री रूट टू एंड सो ऑन। ठीक है, क्या करोगे, एक यहाँ पे ए टू माइनस ए वन निकालो, तो थ्री प्लस रूट टू माइनस थ्री, तो इससे ये गया तो रूट टू, ए थ्री माइनस ए टू निकालो तो थ्री प्लस टू रूट टू माइनस थ्री माइनस रूट टू बराबर, देखो इससे ये गया टू रूट टू में रूट टू गया रूट टू, ये भी याद आया ना। तो लिखेंगे चूंकि ए टू माइनस ए वन बराबर ए थ्री माइनस ए टू बराबर सोन, हेंस गिवन सीक्वेंस इज इन ए पी। ये सीक्वेंस कैची में है, ए पी में है, क्लियर है ना। इसलिए अब आप निकाल लो, देयरफॉर अगला तीन टर्म बोल रहा है निकाल लो, तो वन टू थ्री फोर फाइव, पांचवा टर्म, छठा टर्म और सातवा टर्म। ठीक है, ए प्लस फोर डी, ए प्लस फाइव डी, ए प्लस सिक्स डी। ठीक है चलो निकाल लोगे, तो देखो ए का मान कितना हो गया थ्री प्लस फोर इंटू रूट टू, तो थ्री प्लस फोर रूट टू, क्योंकि अनलाइक टर्म है, अनलाइक टर्म ऐड नहीं होंगे ऐसे ही रह जाएंगे। फिर देखो ए थ्री प्लस फाइव इंटू रूट टू, ये हो जाएगा थ्री प्लस फाइव रूट टू, और ये देखो थ्री ए है, ए कितना है थ्री, और ये हो जाएगा सिक्स इंटू रूट टू, ये हो जाएगा थ्री प्लस सिक्स रूट टू। इस तरीके से आगे बढ़ाओगे। चलो नोट करो जल्दी, तो मैं एस कर रहा हूं, ठीक है, बढ़िया कॉन्सेप्ट है ना। चलो अब आप इसमें देखो, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो है तब, क्योंकि किसी में सब्सट्रैक्शन का प्रॉब्लम आपको हो सकता है, जैसे रूट वाला भी देखे, माइनस वाला देखे, एनसीईआरटी है ना, इसमें जितने क्वेश्चन होते हैं ना बच्चों उतना कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है ना। तो हर एक क्वेश्चन को हल्के में नहीं लो, ऐसा मत सोचो कि हम आराम से बना देंगे, ठीक है, छोटी छोटी गलतियां होती है, हर क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स, सिक्स नंबर देखो, सिक्स में क्या कह रहा है, जीरो पॉइंट टू कॉमा जीरो पॉइंट टू टू कॉमा जीरो पॉइंट टू 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 जीरो पॉइंट टू 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 टू, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे ए टू माइनस ए वन निकालना है, बताओ जीरो पॉइंट टू टू में जीरो पॉइंट टू घटाओगे तो क्या बचेगा, जीरो पॉइंट जीरो टू बचेगा, ठीक है बचेगा ना। देखो कैसे घटाओगे, 0.22 और 0.2, 2 के बाद अपने मन से 0 बैठा दो, तो ये 2 0. क्या आएगा, 0.2, ठीक है। इसी तरह आप A3 में से A2 घटाओ, देखो 0.22 में 2 में 0.22 घटाओ, तो देखो 0.222 में 0.22 घटाओगे तो यहाँ 0.002 आएगा, तो यहीं पर आंसर हमारा क्या हुआ, बोल देंगे कि AP में नहीं है, क्योंकि A2 में से A1 नहीं है बराबर घटा के A3 में से A2 जब घटा रहे हो तो, ठीक है, क्योंकि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, हेंस गिवन सीक्वेंस नॉट इन AP। अब AP में नहीं है तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, गिवन सीक्वेंस नॉट इन AP, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो सातवां, देखो बोल रहा है जीरो कॉमा माइनस फोर कॉमा माइनस एट कॉमा माइनस ट्वेल्व एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो फिर से ए टू में से ए वन घटाओ, माइनस फोर माइनस जीरो बराबर माइनस फोर, ए थ्री में से ए टू घटाओ, माइनस एट माइनस माइनस फोर, देखो माइनस एट प्लस फोर बराबर फिर माइनस फोर, दोनों बराबर हो रहा है ना, तो लिखना ए टू में से कम दो सिक्वेंस निकाल लो, तीसरा को भी ऑब्जर्व कर लो, कभी कभी क्या होता है दो का डिफरेंस बराबर है लेकिन तीसरा का नहीं होता है, ठीक है, ये भी क्लियर करना, माइनस ट्वेल्व में माइनस आठ माइनस आठ प्लस हो गया, हाँ बराबर है, ठीक है। हेंस गिवन सीक्वेंस क्या चीज में होगा, गिवन सीक्वेंस इज इन एपी, इसलिए क्या निकालोगे, पूछा क्या था इसमें, फोर टर्म ना, हो फाइव ए फाइव ए सिक्स ए सेवन, तो ये ए प्लस कितना बना था फोर डी, ए प्लस फाइव डी, ए प्लस सिक्स डी, ठीक है।
ए प्लस फोर डी, तो ए हो गया 0 प्लस 4 इंटू डी, डी हो गया -4, बराबर आंसर हो जाएगा -16। ठीक है, ए प्लस फाइव डी, तो 0 प्लस 5 इंटू -4, तो बराबर हो जाएगा -20। क्लियर है ना। फिर देखो ए प्लस सिक्स डी, तो 0 प्लस 6 इंटू -4 बराबर -20। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8। एट में क्या कह रहा है, -1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -1/2 एंड सो ऑन। ठीक है, अब क्या करोगे देखो, ए टू में से ए वन घटाओ, ये तो -1/2 में माइनस माइनस 1/2 घटाओगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ए थ्री में से ए टू घटाओ, यहाँ पे वही बात होगा, -1/2 -1/2 क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ये तो एपी में होगा ही। तो लिखोगे ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू ए थ्री में से ए टू घटाओगे एंड सो ऑन, हेंस गिवन सिक्वेंस इज, गिवन सिक्वेंस इज इन एपी। ठीक है, ये क्या चीज में हो गया, एपी में हो गया। अब बताओ क्या करें, इसलिए ए फाइव ए सिक्स ए सेवन, देखो सारा टर्म भी तो -1/2 ही होगा ना, होगा कि नहीं। देखो ए प्लस फोर डी लिखोगे तो ए का मान -1/2 प्लस 4 इंटू डी का मान 0, तो देखो आंसर कितना आएगा -1/2। यहां पे भी वही होगा, ए प्लस फाइव डी, तो -1/2 प्लस 5 इंटू 0 बराबर कितना, -1/2। ये हो जाएगा ए प्लस सिक्स डी, तो -1/2 प्लस 6 इंटू 0 बराबर -1/2। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तो आपको इस तरह से एक्सप्लेन कर देना है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9। 9 में बोल रहा है 1,3,9,27 एंड सो ऑन, क्या T2 में से T1 घटाओगे तो कितना आएगा, 3 में से 1,2, T3 में से T2 घटा दो, 9 - 3 6, यहीं पर तो चेंज हो गया ना, तो बोल देना एपी में नहीं है, लिखेंगे T2। हम कभी T1 लिखते हैं कभी A1 लिखते हैं, फर्क नहीं है, ठीक है ना, टर्म है ये। T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 इज नॉट इक्वल टू है, ठीक है, हेंस गिवन सीक्वेंस नॉट इन एपी, गिवन सीक्वेंस नॉट इन एपी, याद रखेंगे। क्लियर है ना, चलिए नोट कीजिए, और दो तीन क्वेश्चन इसको कर लेते हैं हम लोग, इसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगा। बहुत छोटा सा ही कॉन्सेप्ट था, कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा सा आपका मेहनत है, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल नया रहेगा, क्योंकि क्लास 10 में इस तरह का आपने 10 से पहले ऐसा चैप्टर नहीं देखे थे, बट लेकिन बहुत ही आसान है ये चैप्टर, स्कोरिंग है, इससे क्वेश्चंस भी जो है अच्छे पूछे जाते हैं बोर्ड में। चलो इसके बाद जो है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, इसका देखो कैसे बनाओगे। ए है, 2A है, 3A है, 4A है, ये तो लग रहा है एपी में है, तो अगला 5A, 6A, 7A हो जाएगा ना। देखो A2 में से A1 घटा दो, तो 2A में से A गया बराबर A, A3 में से A2 घटा दो, तो 3A में 2A गया बराबर A, एंड सो ऑन। अरे तो गिवन सीक्वेंस क्या है, हेंस गिवन सीक्वेंस या प्रोग्रेशन जो बोलो इज इन एपी, इसलिए निकाल लो कौन सा टर्म, A5, A6, A7, तीन टर्म हम लोगों को बोला है निकालने। तो A5 हो गया A+4D, ये A+5D और ये हो जाएगा A+6D। तो देखो A हो गया A और 4 इंटू डी, तो A, ये देखो 5A हुआ है ना, 4A के बाद 5A, यहाँ पे 6A आ जाएगा, A+5 इंटू A बराबर देखो 6A, ये A+6 इंटू A बराबर 7 है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। चलो 11 नंबर देखो, क्या एपी में है, A² AQ A4 एंड सो ऑन, ये एपी में नहीं है। देखो A2 में से A1 घटा दो, तो A² माइनस A आया, नहीं घटेगा, एटीटीज रहेगा। A3 में से A2 घटा दो, तो AQ माइनस A², अगर आप A कॉमन लोगे तो A² माइनस A, देखो ये अलग है ये अलग है, एपी में नहीं है। लिखोगे A2 में से A1 घटाए तो नहीं मिला A3 माइनस A2 के घटाने पर, ठीक है, हेंस गिवन सीक्वेंस इज नॉट इन एपी। ठीक है,
बना सकते हैं। चलो बहुत अच्छा। इसके बाद देखो 12 नंबर, 12 में देखो कह रहा है रूट टू, रूट एट, रूट 18, रूट 32 एंड सोन। चलो इस तरह का सब्सट्रैक्शन में प्रॉब्लम होता है थोड़ा ना, T2 में से T1 घटा तो रूट 8 में से रूट 2, रूट 8 का स्क्वायर रूट हो जाएगा बच्चों 2 रूट 2 में से रूट 2 गया तो क्या बचा रूट 2, तो 4 टू जाए 2, 4 का 2 निकल गया, रूट 2 अंदर आ गया तो 2 रूट 2। T3 में से T2 घटा तो देखो रूट 18 में से कितना घट गया रूट 8, तो रूट 18 को लिखोगे 9 टू जाए 18 तो 9 का 3 निकल गया, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, तो देखो ये रूट 2 आ गया। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को कि क्या ये एपी में है या नहीं, ये भी निकाल के देख लो अंडर रूट 32 अंडर रूट 18, तो देखो 16 टू जा 32 तो 4 रूट 2 में से 3 रूट 2 घटा दो तो रूट 2, तो ये सीक्वेंस क्या चीज में एपी में है। ठीक है, लिखोगे चूंकि T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T4 माइनस T3 इज इक्वल टू सो ऑन, हेंस गिवन सीक्वेंस इज इन एपी। ठीक है, ये कैसी में होगा एपी में होगा, इसीलिए हम लोग यहां पर निकाल लेंगे A5 A6 A7। तो A5 कैसे निकालोगे बताओ, A5 हो जाएगा A+4D, ये हो जाएगा A+5D, ये हो जाएगा A+6D। तो देखो A हो गया रूट 2 में से 4 इंटू रूट 2, तो देखो 4 रूट 2 में रूट 2, 5 रूट 2, इसको आप अंदर में करोगे तो 25 गुना 50 आ जाएगा अंदर रूट में। ठीक है, है ना, 25 का स्क्वायर रूट निकलेगा, क्लियर है, तो इसको आप अंडर रूट क्या लिख सकते हो 50 भी। फिर देखो रूट 2 प्लस 5 रूट 2 बराबर 6 रूट 2, तो 6 किसका होता है 36, तो 36 टू जर अंडर रूट 72 हो जाएगा। फिर देखो रूट 2 प्लस 6 रूट 2 हो जाएगा तो 7 रूट 2, तो 49 टू जर 98, तो अंडर रूट 98 यही आंसर होगा। ठीक है, चलो नोट कर लेंगे, इसके बाद एक दो बचा है और 13, 14, 15 इसको भी समझ लेते हैं। चलो मैं इरेज कर रहा हूं, देखो क्वेश्चन नंबर 13, रूट 3 रूट 6 रूट 9 रूट 12 एंड सो ऑन। अब यहां पे सब ट्रैक करो तो T2 में से T1 घटाओ, तो देखो ये तो नहीं घटेगा रूट 6 रूट 3 स्क्वायर रूट तो निकलेगा नहीं, तो एटीट्यूड रहेगा। T3 में से T2 घटाओ तो रूट 9 माइनस रूट 6, तो देखो रूट 9 3 निकल गया, ये रूट 6 ये दोनों तो डिफर हो गया ना यहां पर, तो क्या लिखना T2 इज माइनस T1 इज नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2, हेंस गिवन सीक्वेंस नॉट इन। चलो इसके बाद देखो 14 नंबर, 14 में दे रहा है 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ये भी नहीं होना चाहिए, देख लो घटा के T2 में से T1 घटाओ 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर तो 9 माइनस 1 बराबर 8, T3 में से T2 घटाओ 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 16, देखो यहीं पे बराबर नहीं है तो एपी में नहीं होगा, लिखेंगे T2 माइनस T1 इज नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2, हेंस गिवन सीक्वेंस नॉट इन एपी। ठीक है, इसके बाद देखो 15 नंबर, 15 में बोल रहा है 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 73 एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखो T2 में से T1 घटाओ तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर तो 25 माइनस 1 बराबर 24। ठीक है, T3 में से T2 घटाओ तो 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर तो ये हो गया 49 माइनस 25 बराबर कितना 24। चलो तीसरा भी निकाल के देखो T2 माइनस T3 में से T2 घटा है ना, फिर T4 में से T3 घटा दो 73 माइनस 7 का स्क्वायर तो 73 माइनस 49 13 में 9 गया 4 ये तो देखो सब बराबर आ रहा है सीक्वेंस एपी में।
लिखेंगे सेल्स T2 में से T1 घटाए, T3 में से T2 घटाए, T4 में से T3 घटाए, सब आपस में इक्वल है। हेंस गिवन सीक्वेंस इज इन AP। ये कैची में बच्चों AP में, ठीक है। इसलिए क्या करो, A5 निकालो, A6 निकालो, A7 निकालो, तो ये A+4D मिलेगा, ये A+5D मिलेगा और ये A+6D मिलेगा। तो A हो गया देखो 1 का स्क्वायर, अब +4 × D 24, तो 24 × 96 और 1 97 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, 1 का स्क्वायर + 5 × 24, 1 24 5 4 5 20 और 5 10 12 121, तो ये 11 का स्क्वायर लिख सकते हो 121 को। इसके बाद देखो 1 का स्क्वायर + 6 × 24, तो ये हो गया 1 + 6 = 24 6 × 12 = 13 145। तो यही 3 टर्म हो जाएंगे, एक ये और एक ये। तो आई होप सारा सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस तरह से हम लोग का एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे एंड टर्म ऑफ एन AP बेस्ड क्वेश्चन और इसके कॉन्सेप्ट। ओके, थैंक यू।